मरीज मिले, तीसरे दिन भी कोई मौत नहीं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,05,000, 24 घंटे में 12,557 नए मामले सामने आए। दिल्ली एम्स और सफदरगंज के डॉक्टरों ने मध्य प्रदेश के डॉक्टरों के समर्थन में निकाला मोर्चा। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह ने कहा कि 1.5 महीने बाद दोबारा पटरी पर दौड़ने लगी दिल्ली मेट्रो, 50% संचालक की अनुमति। कोविशील्ड में ज्यादा बनी एंटीबॉडी, देश के 12 राज्यों के 19 अस्पतालों में हुए अध्ययन। जन भागीदारी से ही मिटेगी महामारी, एक सराहनीय पहल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया सुझाव, जीवन रक्षा और आजीविका के बीच संतुलन के साथ मिले प्रतिबंधों में छूट। बच्चों के लिए वैक्सीन की जगह उम्मीद, दिल्ली एम्स में आज से कोवैक्सीन का ट्रायल होगा शुरू। नेपाल सीमा से लगी SSB की 10वीं BOP होगी जगमग, बिजली विभाग ने पूरा किया सर्वे। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, भारत अपनी एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक क्षेत्र नीतियों में देगा योगदान। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।